नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। और आज हम बना रहे हैं ये ब्लाउज की बेक साइड डिजाइन। ब्लाउज जो कि आप देख रहे हैं वही डिजाइन आज हम कटिंग स्टिचिंग आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पे ये फैब्रिक है और ये बेक साइड पार्ट्स है। यहाँ पे हमारी ब्लाउज की लेंथ है 14.5 इंच और शोल्डर ले रहे हैं हम 6 इंच। यहाँ पे 38 साइज का हम ब्लाउज बना रहे हैं और आप इसमें 4.5 इंच भी शोल्डर रख सकते हैं जैसे कि आपकी इच्छा। यहाँ पे मैं क्योंकि मैंने नेक की जो चौड़ाई है वो बिल्कुल कम कर दी है, 2.25 इंच ऊपर से रखी है, इसलिए मैंने यहाँ पे शोल्डर जो है 6 इंच लिए हैं, क्योंकि उनके जो शोल्डर है जिनके बना रहे हैं उनकी पीठ बहुत चौड़ी है, इसलिए मैंने यहाँ पे शोल्डर में 1/4 इंच ऐड किया है और नेक लाइन में 1/4 इंच कम कर दिया है। तो यहाँ पे इस तरह से नेक ड्रॉ करेंगे। नेक जो नीचा है वो 9.5 इंच नेक की लेंथ है और नेक की चौड़ाई है 2.25 इंच। अब यहाँ पे हम 1.5 इंच का इस तरह से ये साइड ड्रॉ कर रहे हैं। ये साइड ड्रॉ का जो नेक है डिजाइनर वो है 1.5 इंच का और नीचे से आप देख रहे हैं जो नेक की दूरी है वो है 2.5 इंच की। तो इस तरह से हमने नेक को ड्रॉ कर लिया है। अब ये जो लाइंस है यहाँ पे हम डोरी लगाएंगे, तो ये फर्स्ट डोरी होगी और ये सेकेंड डोरी होगी। इसके बाद में बीच में जो 3 बटन लगाएंगे वो हम आपको यहाँ पे ड्रॉ करके बता देते हैं। तो ये हमारी छोटी सी डिजाइन है जो कि सिंपल और बहुत सरल बनने वाली है, तो आप इस वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। और यहाँ पे हम 9.5 पे पॉइंट लगा रहे हैं, कमर में हम 9 इंच पे पॉइंट लगा रहे हैं। 2-2 इंच का हम यहाँ पे मार्जिन रखेंगे और 1/4 इंच का हम यहाँ पे राउंड शेप लगाएंगे। तो ये हमारा बेक साइड पार्ट्स हो जाएगा और यहाँ पे 1/4 इंच का हम शेप लगाएंगे। नेकलाइन को जो भी हमने बनाया हुआ है कटिंग कर लीजिए सबसे पहले, और अपना जो अपना बेक साइड पार्ट्स है उसको अलग कर लीजिए एक्स्ट्रा कागज से और बेक साइड पार्ट्स को अलग कर लीजिए। इसके बाद में हम डिजाइन पैटर्न को अलग करेंगे और बेक साइड पार्ट्स को अलग करेंगे। तो ये हमारा ब्लाउज का बेक साइड पार्ट्स हो गया है। अब हम अपना डिजाइन पैटर्न कटिंग कर लेते हैं। ये हमारा डिजाइन पैटर्न है। अब हम इसको पेस्टिंग पे कटिंग करते हैं। पेस्टिंग 2 प्रकार की आती है, एक चिपकने वाली आयरन से और एक सिलाई से स्टिच होने वाली, और मार्केट में अवेलेबल मिल जाती है जो कि शर्ट में लगाई जाती है, कॉलर में यूज की जाती है, वही पेस्टिंग है ये। इसको हम डिजाइंस में यूज कर रहे हैं। नीचे से हम 1 इंच एक्स्ट्रा रख रहे हैं पेस्टिंग को, क्योंकि हमें नीचे से देख रहे हैं आप गोलाई देनी है, तो मैंने इतना 1 इंच नीचे से इसको और बढ़ा दिया है ब्लाउज के डिजाइनर पार्ट्स को, क्योंकि मुझे नीचे गोलाई देनी थी इसलिए। अब नेक लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं और इसकी कटिंग करके एक्स्ट्रा फैब्रिक को अलग कर देते हैं। तो यहाँ पे मैंने देख ली कटिंग कर लिया है। अब हम इसको ओपन कर लेते हैं कि हमारे नेक का शेप किस तरह, देखिए कितना सुंदर ब्यूटीफुल नेक का शेप आएगा यहाँ पे। तो इस तरह से आप इसको कपड़े पे पेस्ट कर लें और इसके बाद में एक एक स्टिचिंग दोनों साइड में रख लें। जो ये आपको व्हाइट कलर का बुकरम दिखाई दे रहा है, कपड़े पे इसको आप एक एक सिलाई कर लें दोनों साइड से, फिर बीच का पैटर्न इस तरह से कट करके अलग कर दें। अब आप नीचे लाइनिंग का पार्ट्स लगाते हुए और इसके एक एक स्टिचिंग कर लें नेक लाइन पे और एक साइड की डिजाइन लाइन पे। ये हमारी डिजाइन लाइन है साइड वाली, उस पे भी हम एक सिलाई करेंगे और एक सिलाई हम नेक लाइन पे करेंगे। और भी हमारे चैनल पे आपको डिजाइन्स की वीडियोस मिलेंगे, आप वो भी जरूर देखिएगा। और कटिंग स्टिचिंग के सभी स्टेप्स कटोरी ब्लाउज के, बेल्ट ब्लाउज के, प्रिंसेस कट के, फर्मा कटिंग विथ स्टिचिंग के साथ में आपको मिलेंगे, वो भी आप जरूर देखिएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट में साइड वाली सिलाई कीजिएगा जो कि हमारा डिजाइन पैटर्न है, उसकी डिजाइन्स की स्टिचिंग करते हैं।
अब लाइनिंग का और मेन फैब्रिक दोनों स्टिच हो चुके हैं। अब आप बीच की नेक लाइन को कट कर लीजिएगा। तो यहाँ पे हम अपनी नेक लाइन को कट कर लेते हैं। अब आप डिजाइन पैटर्न की साइड की कटिंग कर लीजिएगा, जो भी साइड में एक्स्ट्रा वेस्टेज है उसको कट करके निकाल दीजिएगा। मैंने यहाँ पे लगभग 1.25 इंच एक्स्ट्रा रखा है, बाकी का निकाल दिया है। तो इस तरह से आप जो है एक्स्ट्रा पार्ट्स को निकाल दीजिएगा। अब इसको ऑन कीजिए और जो हमारी डोर बीच सेंटर बना लीजिए। इसके बाद आप नेक लाइन पे पाइपिंग लगाइए, डार्क ज़्यादा डार्क ना करें ताकि डिजाइन हमारी ख़राब ना हो। अब आपको सीधी पाइपिंग लगानी है। ये उरे पट्टी है और साइड से फोल्ड की हुई है और इसकी आपकी जो पाइपिंग है बहुत ही सुंदर आएगी। तो जितनी आपको पाइपिंग चौड़ी रखनी हो उतनी आप यहाँ पर स्टिचिंग लें। ज़्यादा चौड़ी स्टिचिंग लेंगे तो आपकी पाइपिंग बहुत चौड़ी हो जाएगी या फिर आपको कटिंग करनी पड़ेगी, इसलिए मैं उतनी ही यहाँ पे ले रही हूँ जितनी की मुझे पाइपिंग लगानी है। तो यहाँ पे एक स्टिचिंग हो गई है। अब आपको दिखाती हूँ कि कैसे फोल्ड करते हैं। तो इस तरह से ही हमारी पाइपिंग सीधी अच्छे से स्टिच हो जाएगी। पाइपिंग लगाने का सबसे अच्छा सिस्टम है ये पेस्टिंग पे। हल्की हल्की पेस्टिंग के ऊपर स्टिचिंग लें और जितनी ही लें जितनी की आपको चौड़ी पाइपिंग की ज़रूरत है। तो जितनी चौड़ी पेस्टिंग स्टिचिंग हुई हुई है उतनी हमारी यहाँ पे सिलाई आ जाएगी पाइपिंग के लिए। नेक लाइन बहुत ही इजीली से और बहुत ही सुंदर तरीके से पाइपिंग नेक लाइन पे स्टिच हो जाती है। अब हमें क्या करना है, इसके बाद का जो स्टेप्स होगा वो डोरी का। एक आप डोरी निकाल लीजिए, नॉर्मली डोरी जो कि हम बैक साइड पे लगाते हैं, वो डोरी निकाल के अब हम डोरी की डिजाइन्स बनाएंगे। तो यहाँ पे ये जो हमने दो डोरी की लाइन लगाई थी, यहाँ पे फर्मा कटिंग को कटिंग कर लिया है। मिडिल सेंटर से रखते हुए देखिए इस तरह ड्रॉ कर दिया है और फिर मिडिल सेंटर से रखते हुए दूसरी साइड में ड्रॉ कर देंगे इस तरह से। अब आपकी डोरी जो है बिल्कुल बराबर में लगेगी। तो अब आप इस पे डोरी लगा सकते हैं। डोरी को आपको सीधा स्टिच करना है, कुछ भी नहीं करना होगा। इसके नीचे 1 इंच की दूरी से आप एक ड्रो और कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे हम डबल डोरी लगाएंगे। तो ये डोरी ले ली है मैंने और यहाँ पे मैं इसकी स्टिचिंग ले रही हूँ। डोरी की एक स्टिचिंग यहाँ पे हमारी कम्प्लीटली कम्प्लीट हो जाएगी। इसके बाद आप 1 इंच की दूरी से दूसरी स्टिचिंग ले लीजिएगा। 1 इंच की दूरी से और बटन बनाना बहुत आसान है। इसके बीच में जो बटन लगाएंगे हम, वो आप नॉर्मली बटन ले सकते हो जो शर्ट पे स्टिच होते हैं। उन बटन को क्या करना, आपको रेड कलर के कपड़े से कवर करके नीचे धागे से उसको पक्का कर दे, आपका बटन तैयार हो जाएगा। उसके बाद आप उसको यहाँ पे स्टिच कर दें सुई से, तो आपका बटन बहुत ईजीली से और कलर वाइज लग जाएगा। तो उस तरह से आप बटन बनाए तैयार करें और यहाँ पे लगा लें। तो यहाँ पे हमारी दोनों जो डोरी है स्टिचिंग हो गई है। अब हम नीचे जो पाइपिंग फोल्ड करनी है वो फोल्ड करेंगे। पाइपिंग के लिए वैसे ही जैसे नेक लाइन में पाइपिंग लगाई थी वैसे ही उरे पट्टी ले ली है और इसकी एक एक स्टिचिंग लेंगे। एक स्टिचिंग लेने के बाद आपको इसको नीचे की ओर फोल्ड कर देना होता है रेड कलर की पाइपिंग की कपड़े को, और जो आपको ग्रीन कलर का एक्स्ट्रा वेस्टेज दिखाई दे रहा है उसको कट कर दें आप, क्योंकि यहाँ पे वेस्टेज ज़्यादा है। तो जो भी वेस्टेज है उसको मैंने यहाँ पे कट कर दिया है। अब मैं इसको फोल्ड कर देती हूँ और यहाँ पे हमारी पाइपिंग तैयार हो जाएगी विदाउट पेस्टिंग के, विदाउट डोरी के।
तो हमारी ये वेस्टिंग का डिज़ाइन और डिजाइनर ब्लाउज पैटर्न तैयार हो गया है। इस पैटर्न को आप जो साइड वाली हमारी निकाल, इसको स्टिचिंग करके और इस तरह से हमें स्टिच लेनी है अपने ब्लाउज के बैक साइड पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू। यहाँ पे आप 3 बटन लगा दीजिएगा वीडियो।